सिंचाई विभाग के आगे भाजपा का धरना। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के कई पूर्व वर्तमान विधायक रहे मौजूद। वार्ता में बनी सहमति, 25 को भाखड़ा में पानी का मिला है आश्वासन। आपको बताना चाहेंगे कि इंदिरा गांधी नहर का रेगुलेशन बनाने और भाखड़ा नहर में 1200 क्यूसेक पानी देने की मांग को लेकर श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के बीजेपी के नेताओं ने आज संयुक्त रूप से मुख्य अभियंता सिंचाई हनुमानगढ़ कार्यालय के आगे प्रदर्शन कर सभा कर और जल्द नहरों में पानी देने की मांग रखी। मांग पर सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर अमरजीत मेहरड़ा से प्रतिनिधिमंडल ने हालांकि बातचीत की है और 25 मई तक भाखड़ा में चीफ इंजीनियर के द्वारा पानी देने का आश्वासन जरूर दिया गया है। विरोध प्रदर्शन के बाद भाजपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल अंदर गया तो नहरी विभाग के मुख्य अभियंता के ना मिलने पर कार्यालय में ही धरना लगा दिया। पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के नेतृत्व में रायसिंहनगर विधायक बलवीर लूथरा, सूरतगढ़ विधायक और अन्य जिलों के अन्य सब डिवीजन के विधायक जहां एक ओर सिंचाई कार्यालय में आज धरने पर बैठे थे और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के भाजपा जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता नीचे फर्श पर ही मुख्य अभियंता के कार्यालय के अंदर धरना लगाकर बैठ गए और पानी ना मिलने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी उन्होंने दी। विरोध के करीब एक घंटे बाद मुख्य अभियंता के आने के बाद वार्ता शुरू हुई और मुख्य अभियंता ने 25 मई को भाखड़ा में पानी दिए जाने का आश्वासन दिया है और उसके बाद भाजपा के नेताओं ने हालांकि धरना उठा लिया है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार व सिंचाई महकमा भलीभांति जानता है कि बिना पानी फसलों को बचाना किसानों के लिए कितना मुश्किल है, लेकिन बावजूद इसके सरकार टालमटोल कर रही है। और रायसिंहनगर विधायक बलवीर लूथरा बोले कि अगर वार्ता के अनुसार पानी नहीं मिला तो फिर बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहें और बीजेपी के द्वारा बड़ा आंदोलन भी गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में किया जाएगा। हालांकि गेट पर पुलिस के साथ धक्कामुक्की भी हुई और विधायकों के द्वारा गेट के ऊपर चढ़कर मुख्य अभियंता कार्यालय सिंचाई विभाग हनुमानगढ़ में अंदर जाने का प्रयास किया गया और वे सफल भी हुए और गेट के अंदर विधायक और अन्य कार्यकर्ता पुलिस को चकमा देकर वहां से कार्यालय के अंदर जाकर धरने पर बैठ गए और मुख्य अभियंता के आने के बाद वार्ता के बाद 25 मई से भाखड़ा में पानी देने का आश्वासन मिला है। हालांकि जो वहां पर सरहिंद फीडर के अंदर कटाव आया हुआ है उसको पाटने के लिए सिंचाई विभाग, पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर लगी हुई है। अब देखने वाली बात है कि आश्वासन के अनुसार पानी मिलता है या नहीं।